नेक्स्ट कॉलर पंकज कुमार यूपी से, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम। हेलो नमस्कार, बोलिए। जी, हमारे कमर में दर्द रहता कब से तकलीफ है ये? है, ये लगभग 15 साल से हो गए, ट्वेंटी एज क्या है आपकी? 27 ईयर। बहुत कम उम्र में आपको दर्द, और वो भी 15 साल से है, यानी आधी उम्र तो आपकी दर्द में चली गई। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि 15 साल में कौन सा इलाज होगा जो आपने नहीं किया। अब मेरी एक दो बातें मान लीजिए और एक दो इलाज भी बताता हूँ जो आसान हो कर लें। एक तो घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए। अगर वज़न उठाने का कोई काम है तो वज़न उठाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, और दवा के तौर पर कैप्सूल टी केयर सुबह शाम ले सकते हैं। और अगर घरेलू तौर पर कोई नुस्खा बनाना चाहें तो गौंद स्याह आता है, काला गौंद कहते हैं इसे, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाएं, लेकिन ये नकली बहुत मिलता है, मिले तो असली मिले, नहीं तो फिर नहीं लेना, क्योंकि ये आपके रोग के लिए 100 ग्राम ही काफ़ी है। 100-200 ग्राम भी मिल गया तो आधा आधा ग्राम खाने से अपने ख़त्म होने से पहले ये इंसान को रोग मुक्त करने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट कॉलर लठी शुक्ला जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। जी बताइए। आदा जी नमस्कार सर, मैं लकी शुक्ला बोल रहा हूँ। सर मुझे पथरी है किडनी में। जी जी सर, मतलब लेफ्ट किडनी में 2 पथरी थी, 3 mm और 5 mm की। जी ठीक है। आपकी आयु कितनी है? जी 19 वर्ष में मतलब हो गई थी, अब 20 वर्ष, 1 साल मतलब हुआ था। मैं तो ठीक है। ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा, सर्जरी एलोपैथी का ले रहा था सिरप में 1 साल से। जी ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत ज़्यादा कैल्शियम का इस्तेमाल से भी पथरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बाहर के खाने खाने से और माँ के हाथ के खाने छोड़ने से भी पथरी हो जाती है। याद रखें, आजकल बच्चे माँ का कम और बाज़ार का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। और इसका निकलना भी आसान है, जैतून का नमक आता है, नमक जैतून या रसायन जैतून या एस्टेक जैतून समझ लीजिए, ये 100 ग्राम 200 ग्राम मिल जाए तो ले लीजिए। देखने में नमक, खाने में नमकीन नहीं होता। एक आधा ग्राम पानी में मिलाएं और इसमें एक नींबू निचोड़ें, दिन में एक बार या दो बार पी लिया करें। पथरी पाउडर बन के निकलेगी, रेजा रेजा करके, रेता रेता करके निकलेगी। दर्द हो तो दर्द की दवा आप ले सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है, कोई मना नहीं है, ये लेना शुरू करें। और जब पथरी निकल जाए तब भी ये कभी कभी लिया करें, ताकि पथरी बनने की प्रतिक्रिया ही ख़त्म हो जाए। अगर ये लेते रहेंगे तो जिसको भी पथरी होती है उसको बार बार होती है। अगर आप ये चाहते हैं कि फिर वो सिस्टम ही ख़त्म हो जाए जिससे पथरी बनती है, तो आप इसे उसके बाद भी लेते रहें। हरियाणा से अगले कॉलर हैं कुलदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मेरा नमस्कार आदाब जी। बेटा है जी, वो 22 साल का, उसके हाथ और पैर के तलवे बहुत पसीजते हैं। हाथ और पैर के पसीजते हैं, जी पसीजते हैं। आता उनमें हाथ और पैरों में। ठीक है जी। ठीक है ठीक है। ये बहुत आसान इलाज है। एक आता है कलौंजी का नमक। कलौंजी जो हमारे किचन में होती है, इसका एस्टेक को कलौंजी का नमक कहते हैं। नमक कलौंजी भी कहते हैं, रसायन कलौंजी भी कहते हैं। ये 2 चुटकी रोज़ाना लें और पानी में मिलाकर इसको एक बार या दो बार बच्चे को पिलाया करें, बहुत जल्द बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। रजनी जी राजस्थान से, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो हाँ जी बोलिए। मैम, मम्मी के पैरों में बहुत दर्द रहता कब से दर्द है? है, ये 3 महीना भर हो गया, और झंझनाहट रहती है पैरों में, कभी कभी वाइब्रेशन होता है। चालीस एज क्या है आपकी? मम्मी के दर्द 1 ही महीने से। बहुत जल्दी आपने फोन किया, अच्छी बच्ची की यही निशानी है। ये बहुत आसानी से नहीं छोड़ता, अगर आप चाहें तो इसे आसानी से मुक्ति पा सकती हैं। गौंद स्याह नाम का एक काला गौंद आता है, गौंद स्याह हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। 100-200 ग्राम खरीद लीजिए, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम,
मम्मी को रोज दीजिए बगैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से, जैसा आप बेहतर समझें। ख्याल रहे ये 5-10 दिन बाद फ़ायदा शुरू करता है, 5 से 10 दिन तक मुझसे कुछ शिकायत ना करें और बहुत जल्द आपकी मम्मी को फ़ायदा होना मुमकिन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। माया हमारे साथ जुड़ी है मेरठ से, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी माया जी, सवाल क्या है? नमस्ते मैडम। नमस्कार। हकीम जी से बात करनी थी। जी माया जी आप? आदाब हकीम जी। जी आदाब माया जी। हकीम जी मुझे ना ये घुटनों में दर्द है, लेकिन ये जो गोंद चाय वगैरह बताते हैं तो मेरे ना तेजाब बहुत पड़ता, तो मैं गर्म चीज कुछ नहीं खा सकती। ठीक है। हाँ देखिए ये गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, ये मौतदिल है, यानी ना गर्म ना ठंडा, बीच का है। और इसको गर्म मिजाज वाले भी खा सकते हैं और ठंडे मिजाज वाले भी खा सकते हैं। इसकी खुराक आधा आधा ग्राम है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते। आप ले लीजिए, अगर असली मिल जाए 100-200 ग्राम, नकली बहुत मिलता है, और खाना शुरू करें और वेस्टर्न टॉयलेट का ये प्रयोग करें तो आपको फायदा मुमकिन है। यूपी से गौरी जुड़ गई हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। नमस्कार जी। मैं हकीम साहब से बात करनी थी। जी जी गौरी जी आदाब। जी नमस्ते सर। जी आदाब जी, झाई के लिए पूछना था, झाई हो गई चेहरे पे। जी ठीक है। गौरी आपका नाम गौरी है या आप गौरी हैं बहुत? जी सर आप बहुत गौरी चित्ती हैं या आपका नाम गौरी है? जी सर वैसे आएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप गोरी हैं तो झाइयाँ बहुत बुरी लगती होंगी, मैं ये सोचकर आपसे सवाल कर रहा था, कोई और मेरे दिमाग में बात नहीं। तो झाइयों का अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप समझ लें कि गौन मोरिंगा आता है सफ़ेद, सफ़ेद गौन मोरिंगा, और वो ले लीजिए आधा ग्राम रोज़ाना सुबह और शाम पानी में मिला कर पिया करें। और गौरी आप अगर रईस हैं तो नारियल पानी में मिलाकर पिया करें, आपकी ये शिकायत बहुत जल्दी दूर होगी और आपके बाल भी बहुत अच्छे होंगे, सुंदरता में भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, आपकी छवि में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये मेरा आजमाया नुस्खा है, मैं खुद आज भी लेता हूँ, आप मेरे बाल देख रहे हैं, ओरिजिनल है सब कुछ, बुढ़े आदमी के बाल इतने नहीं होते, लेकिन ये मैंने आपको अपना नुस्खा शेयर किया है, आप चाहें तो दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर गुजरात से नूर जहां, स्वागत है आपका। हाँ मैं हकीम साहब से बात करूं। जी जी सलाम अलैकुम, बताइए। मेरी दवाएं यहाँ से जो इसके अंदर तकलीफ थी नसों में और कमर में, तो यहाँ से दवाई मंगवाई थी चालू, और फर्क तो पड़ गया है, पर मुझे बच्चेदानी के अंदर 4 mm की घुटन है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पूछना था कौन सी दवा ली है आपने दर्द के लिए? टीकेयर। इसे 3-4 महीने मत छोड़िएगा आप, अगर पूरा फायदा आप चाहते हैं, एक ही महीने में कोई छोड़ देता है तो फिर दोबारा से लौट के आ सकता है। और अगर बच्चेदानी में किसी के गांठ या कुछ है तो एक अच्छा नुस्खा है, आप समझ लें एलोवेरा का सिरका आता है, सिरका एलोवेरा, वो 2-3 चम्मच रात को एक गिलास में डालें और उसमें एक चुटकी खाने का सोडा डालें, एकदम झाग से उठेंगे तो झाग ख़त्म होने से पहले इसमें पानी डाल दें और ये पी लिया करें रात को सोते समय एक बार, तो आपके इन तकलीफ़ों का भी ठीक होना मुमकिन है। आइए बात करते हैं कुछ और कॉलर से, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्कार दिव्या जी। हाँ बताइए सवाल। मैम मुझे PCOD है। ठीक है, एज आपकी? मेरी एज है 28। 28 जी। मैं जब तक टेबलेट चलती हैं तब तक मेरा पीरियड आता है, वरना बंद हो जाता है, थायराइड भी है मुझसे। ठीक है जी। जब बेटा देखो थायराइड ठीक कर लो, PCOD अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, थायराइड की वो जो टेबलेट आप खाते हो वो खाते रहें,
और एक बड़ा भरोसे का नुस्खा है मेरे, मैं जिसको भी बताता हूँ उसको फ़ायदा होता है अगर वो यानी लगातार ले। एक तो ये कि वो गोली भी लेनी है जो आप लेते हैं, और धनिया लेना 300 ग्राम, 300 ग्राम धनिया और 100 ग्राम आंवला, ये सब सूखा हुआ मिलता है ना, सूखा हुआ आंवला, और 100 ग्राम मेथी, मेथी का दाना, और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा, 300 ग्राम धनिया, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, 100 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना, गौंद मोरिंगा सफ़ेद याद रखें। इसको आप पाउडर बनाएं, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाएं, वो गोली खाते रहें, और हर महीने की अपनी रिपोर्ट चाहे निकलवा के देखें, आपका डॉक्टर को अच्छा लगेगा कि आपका थायराइड काबू में आता जा रहा है, और 7-8 महीने में आपकी वो गोली छूट जाएगी जो आप पहले से खा रहे हैं, और उसके बाद ये नुस्खा भी छूटना मुमकिन है, आपका PCOD में भी फायदा मुमकिन है। यूपी से अगली कॉलर है अंशिका जी, स्वागत है आपका। जी मैम। जी नमस्ते मैम। नमस्कार। एक्चुअली मैम मेरे पैरों में दिक्कत है, पंजे में 4-5 सालों से दर्द हो रहा है, तो समझ नहीं पा रहे पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम है। जब हम रात में सोते हैं तो पूरी बॉडी का दर्द पंजे में जाता है। एज क्या है आपकी? जी 24 एज है हमारी। ठीक है। आज पता नहीं क्यों बहुत कम उम्र बच्चों के भी दर्द की शिकायत है। ये बच्चे ठीक बहुत जल्दी होते हैं। कैप्सूल टी केयर लें, T4 Tiger कैप्सूल टी केयर सुबह शाम, या एक ही खुराक लिया करें तो भी चलेगा, 2 बार लें तो भी ठीक है, लगातार लें और इससे आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। खाने के बाद लेना है और आपको दूध से लेना है, ठीक है, खाने के बाद दूध से कैप्सूल टी केयर लेने से आपको रोग मुक्त होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं प्रकाश यादव जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब से बात कराइए। जी यादव साहब आदाब, बताइए क्या सवाल है जी? अभी जो टीवी पे चल रहा है उनसे बात कराइए डॉक्टर साहब से। प्रकाश जी, प्रकाश जी मैं ही तो हूँ आपके सामने, मुझे नहीं पहचानते आप? जी जी बताइए क्या सवाल है। चश्मा लगा लीजिए। नमस्ते जी यादव, बताइए यादव साहब। हाँ ये जो है मेरी उम्र 45 है। जी जी तो कुछ शुगर का मुझे जो है थोड़ा परेशानी है। ठीक है पूरी बात कही। 45। ठीक है अब टीवी पे आप सुनते रहिए, आपका टीवी की आवाज बहुत ज्यादा है, ये तो अच्छा हुआ आपका सवाल आ गया उम्र के साथ। और आपको देखिए शुगर के लिए आदमी को 1 घंटा पैदल जरूर चलना चाहिए धूप में, ठीक है, अगर चल नहीं सकते तो बैठना ज़रूर चाहिए धूप में, और सामने से नहीं बैठ सकते तो पीठ करके बैठिए सूरज की, 5 बार गर्म पानी पीना ज़रूरी है, और जैतून का सिरका 3 चम्मच दिन में, 3 चम्मच रात में, छोटे चाय के चम्मच पानी मिला के पिया करें, आप पूरी पूरा जीवन सुरक्षित गुजार सकते हैं, आपकी शुगर आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और लेकिन दवा वो भी लेते रहिए जो आप लेते हैं, और इसे भी लेना ज़रूरी है। अगले कॉलर महाराष्ट्र से शिवाजी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी नमस्ते सर। जी हाँ जी, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते सर, मुझे मुझे सर हकीम साहब मुझे आपका दिल भरा नमस्कार। आदाब। हाँ सर मुझे ना RA पॉजिटिव हूँ मैं, तो मेरी दवा चालू है, तो मैं शुगर और बीपी के लिए जैतून का सिरका खट्टा रहता है वो पीना जरूरी है क्या इस बीमारी में? ठीक है और क्या सवाल? वो वही है कि क्योंकि वो खट्टा रहता है ना जैतून का सिरका, तो वो मुझे पी सकता हूँ क्या मैं वही? नहीं आपको खट्टे से कोई परेशानी है क्या? वो मुझे RA पॉजिटिव होना, गठिया की तकलीफ है सर। ठीक है ठीक है, अच्छा पी सकते हैं आप। ये RA पॉजिटिव क्या होता है मैं समझाऊं, RA पॉजिटिव हमारा जो हमारे जिस्म में एक फौज है जो हमारी हिफाजत करती है,
हमारी सुरक्षा करती है। किसी वजह से ये फौज हमारे ऊपर हमला करने लगे, हमारी बॉडी पर। इसका काम है बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करना, तो ये हमारे ऊपर हमला करने लगती है। इसकी वजह से हम आर ए पॉजिटिव रूमोटाइट आर्थराइटिस कहलाता है। तो अब ले तो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं हो तो मत लेना, थोड़ा सा आप चेक करके देख लें, वैसे ले सकते हैं आप। ये मिजाज जो है ना, ठंडे मिजाज के लोगों को कोई नुकसान दे सकता है। और महाराष्ट्र से आप बोल रहे हैं शिवाजी, और वहाँ के लोग मछली बहुत खाते हैं, और वहाँ मछली खाने से जिस्म अच्छा ताकतवर और गर्म रहता है, गर्म मिजाज के हो जाते हैं, गर्म प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और जिन लोगों को नज़ला खांसी बलगम छींके ज़्यादा रहता है उनको ये कुछ नुकसान दे सकता है। अगर आपको नज़ला खांसी कफ बलगम छींके नहीं होता तो आप ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके फ़ोन का।